स्टाफ बिल्कुल है, बट मैं गौतम गंभीर और अभिषेक नायर दोनों को बहुत अच्छे से जानता हूँ। मॉर्निंग मोकल के साथ आमने सामने क्रिकेट खेला है, काफ़ी टफ क्रिकेट खेला है, और रायन के साथ कोई आई थिंक एक दो मैच खेला है, बट इतनी बातचीत हुई नहीं है दोनों के बीच में। बट जो मैंने श्रीलंका में एक्सपीरियंस किया उनके साथ, मुझे काफ़ी सेंसिबल और काफ़ी अंडरस्टैंडिंग पर्सनालिटी लगे कि किस तरीके से उन्होंने चीज़ें को समझना शुरू किया बहुत जल्दी से टीम में। और जहाँ तक बात है गौतम गंभीर और अभिषेक नायर की, जैसे मैंने बोला कि मैं उनको अच्छे से जानता हूँ, श्रीलंका में पहला सीरीज था, अभी दूसरा सीरीज कर रहे टीम के साथ। तो देखिए सबका अपना अपना एक स्टाइल होता है, राहुल भाई, विक्रम राठौर, पारस मामरे, उनका टीम को चलाने का तरीका अलग था, इन लोगों का अलग होगा, सो यू हैव टू एक्सपेक्ट। एंड मैंने तो पहले से ही सोचा था कि अलग होता ही है, क्योंकि इतने कोचेस के साथ काम किया है, 17 साल से खेल रहा हूँ, तो कोचेस लोग तो अलग अलग मिलेंगे ही, तो सब अलग अलग कोचेस के साथ काम किया है, तो आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि हर कोच अलग अलग पर्सपेक्टिव से आते हैं, अलग अलग मेथड से आते हैं, तो आपको एडजस्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो कोई अभी तक कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम्स या कोई इश्यूज है नहीं हमें एज अ प्लेयर्स, बट जैसे मैंने बताया कि अगर अंडरस्टैंडिंग है दोनों के बीच में, बस वो सबसे ज़रूरी चीज़ है, एंड आई थिंक हमारे बीच में अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा है। और दूसरा चीज़ बांग्लादेश के बारे में, देखिए सब टीम को इंडिया को हराना है, इंडिया को हराने में मज़ा आता है, मजे लेने दो उनको, बट हमारा काम है जो हमको करना है, जो है कि हमें मैच कैसे जीतना है। हम ये नहीं सोच सकते कि हमारे सामने जो टीम खेल रही है वो हमारे बारे में क्या सोच रही है, उनका थिंकिंग क्या है। इंग्लैंड भी जब यहाँ पर आए थे उन्होंने भी काफ़ी बातचीत की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में और ये, बट हमने कोई उस चीज़ पे फोकस किया नहीं उतना। हमारे को ज़रूरी था कि हम रिजल्ट्स को हमारे तरफ कैसे लाए, तो हमारी कोशिश अभी भी यही रहेगी कि हम क्रिकेट कैसे अच्छे तरीके से खेलें, ज़्यादा ऑपोजिशन के बारे में ना सोचें, क्योंकि अभी आप टीमों की बात करो तो सब टीम के सामने इंडिया ने क्रिकेट खेला है, ठीक है, तो आपको कोई स्ट्रैटेजी, कोई अलग से कोई स्ट्रैटेजी बनाने की ज़रूरत नहीं है। कोई एक दो नए लड़के आते हैं टीम में, उनके बारे में आप थोड़ा सा सोच के यू कैन मूव फॉरवर्ड, बट चाहे बांग्लादेश हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, जिम्बाब्वे हो, केनिया हो, सॉरी केनिया ने तो खेला नहीं है काफ़ी टाइम, केनिया ने इंडिया के साथ खेला नहीं है, बट न्यूजीलैंड हो या कोई भी हो, आप टीमों के सामने इतना क्रिकेट खेलते हो तो आपको कुछ अलग चीज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक दो लोग नए नए आते हैं टीम में, उनके बारे में आप डिस्कस करो और आगे बढ़ो। तो हमारी कोशिश भी इनके सामने ऐसे ही रहेगी कि हम हमारे गेम पे फोकस करें।